हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक होम पे आपको आज फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घर पे जो अपना सीलिंग फैन होता है उसका कनेक्शन कैसे करें। कनेक्शन का मतलब दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये पंखा है अपन नया लेके आए हैं और हो सकता है कि अपने से ये कोई भी तार खुल जाए या कोई लूज तार हो और अपने हाथ से निकल जाए, या फिर कई बार अपने ये सोचते हैं यार पंखे को काफ़ी दिन हो गए तो इसको ग्रीसिंग कर लें, तो अपन पंखे को उतार लेते हैं और उतार के कनेक्शन खोल लेंगे, उसको खोल लेते हैं, ग्रीसिंग भी कर लेते हैं, वापस इसको फिट कर दिया, पैक हो गया। लेकिन अपने को दिक्कत आ जाती है कनेक्शन करने में कि अब इनको कैसे करें। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से कि ये कनेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों जब सीलिंग फैन होता है कंपनी का, कोई भी कंपनी का हो, हमेशा उसमें तीन वायर होते हैं अंदर से जो निकले हुए हैं दोस्तों, और ये दो तार होते हैं कैपेसिटर के। तो दोस्तों पहले तीन तार हैं, इनका मेन मैं आपको बता दूं क्या करना है। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि सभी में, सब पंखों की कंपनियों में ये कलर एक जैसे ही हों, कोई पक्का नहीं होता, किसी में कोई भी कलर हो सकता है। अब अपने को कैसे पहचानेंगे कि इसमें कैसे करें, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि इसमें मेन काम सीरीज वायर का ही होता है, वो ही बताएगा अपने को कि इनको कैसे जोड़ेंगे, नहीं तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा अगर ये सीरीज वायर मेरे पास नहीं होगा। तो दोस्तों ये सीरीज वायर है, आपको पहले दिखाया हुआ है। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको कि सीरीज वायर में हमेशा बल्ब ही काम करेगा, 100 वाट का हो 60 वाट का हो, एलईडी बल्ब काम नहीं करेगा इसमें, कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ ये जो ऐसा वाला बल्ब होता है अपने वो ही काम करेगा इस सीरीज वायर में, तो ये होना जरूरी है। तो दोस्तों ये सीधा लग मैंने लगाया, ये फुल बल्ब चस गया फुल इसमें अपना, ठीक है। अब इसमें देखना दोस्तों, इसमें अपन लगाएंगे एक तार को लगाएंगे और इसको लगाएंगे तो ये बल्ब जल गया, इसमें लगाएंगे तो भी जल गया, और इसमें लगाएंगे तो भी जल गया। अब आप सोच रहे होंगे तीनों में जल रहा है तो इसमें फर्क क्या है। इसमें फर्क ये है दोस्तों कि अपन इस तार को लगा के इसको लगाएंगे तो बल्ब ज्यादा जल रहा है और इसको लगाएंगे तो भी ज्यादा जल रहा है, पर इन दोनों को जब लगाएंगे ना तो बल्ब बिल्कुल एकदम मंदा, यानी कि बस वो जो इसकी स्प्रिंग है वो सिर्फ जलती ही दिखाई दे रही है, बाकी कोई रोशनी नहीं है। तो ये फर्क है दोस्तों इसमें समझने का। देखो अगर इस पे लगाया थोड़ा सा ज्यादा है, इस पे लगाया थोड़ा ज्यादा है, और इन दोनों पे लगाया तो बिल्कुल एकदम कम है। तो इसमें अब अपने को क्या समझना है दोस्तों, मेन चीज जो अब आपको बता दूं मैं कि जिन दो तारों को, कोई भी पंखा हो चाहे, जिन दो तारों को अपन ने ये सीरीज वायर लगाया हुआ है उसके बाद जिसमें बिल्कुल कम जलता है बल्ब, वो जो तार रह जाता है वो तार हमेशा मेन होता है। यानी इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, पर ये इन पे लगाने के बाद में ये बिल्कुल कम जल रहा है, तो जो अब जो तार बच गया वो तार हमेशा मेन होता है। मेन का मतलब उसको करंट का तार सीधा जाएगा, यही देखने की बात है। मैं दोस्तों फिर बता दूं कि जिन दो तारों को लगाने के बाद बल्ब बिल्कुल डिम चसता है तो जो तार बच गया वो तार हमेशा मेन होता है। तो इसमें दोस्तों देख लो, अब ये तो दोस्तों इस पे लगाया तेज जलता है, इस पे लगाया तेज जलता है, इन दोनों पे लगाया तो बिल्कुल डिम है, तो ये जो बच गया तीसरा तार ये तार मेन बोला जाएगा हमेशा। तो दोस्तों इसमें अब ये बच गया पीला तार, ये तार इसका मेन हो गया। तो दोस्तों ये पीला तार ये मेन हो गया। इस तार को अब अपन सीधा अपने कनेक्शन
तो दोस्तों इसमें ये कनेक्शन बॉक्स होती है, इसमें ये भी आर पार होता है और ये भी आर पार होता है हमेशा, कोई भी कनेक्शन बॉक्स हो। ये वाला ये सिर्फ इधर नहीं होता, ये अकेला ही होता है। तो अब इसका मैं बताऊंगा आपको। अब इसमें मेन अपना ये होगा पीला, क्योंकि दो तारों को लगाने के बाद में जो बिल्कुल जो विदाउट बच्चा जो तीसरे नंबर का, वो ये मेन हो गया। तो इसको चाहे अपन यहाँ डाल दें चाहे यहाँ डाल दें, एक ही बात है। इसको तो सीधा सबसे पहले अपन यहाँ डाल देंगे। अब बच गए दोस्तों ये दो तार, ये दो तार बच गए और ये दो तार बच गए कैपेसिटर के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कैपेसिटर में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। इसके कोई भी तार कहीं भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसको लगा दो चाहे ये इसको लगा दो, कोई नहीं फर्क पड़ता, इसमें कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो अब एक एक तार इसको ज्वाइंट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको साथ में एक चीज और भी बताता चलूं कि ये जो पंखा है, और ये पंखा ही नहीं कोई भी चीज हो, दूध बिलोने की मशीन हो, कूलर हो, अगर वो करंट मारता हो तो अपने को कैसे चेक करना है सीरीज से। तो दोस्तों ये इसका तार है, इसका है, एक ही मैंने मेन लगा दिया। इसको किसी भी तार को यहाँ लगाया और बॉडी से टच करेंगे तो ये बल्ब जलेगा, इसको लगाएंगे तो भी जलेगा, और जो ये मैन मैंने इधर लगाया है इसको भी लगाएंगे, और फिर एक तार बॉडी को टच करेंगे तो अगर बत्ती जलती है तो ये मान लो कि अपने आइटम में करंट है। अगर बत्ती नहीं जल रही है तो ये मानो कि अपने आइटम में कोई करंट नहीं है, चाहे वो कूलर हो, चाहे सीलिंग फैन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। ये बॉडी अर्थ करने का तरीका भी आपको साथ में बता देता हूँ मैं। देखो ऐसे लगाएंगे सीधा, बॉडी पे दोनों को लगाया, टच हो गया ना, इसको लगाएंगे, ये नहीं जला, तो ये मतलब पंखा बिल्कुल सेफ है, ये बॉडी शॉर्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये दो तार बच गए, मैंने इनको एक एक, एक तार को ये कैपेसिटर का तार जोड़ दिया, वो अपना मेन वो तो सीधा लग गया दोस्तों, उसको तो लगना ही है वहां पे। अब इनमें क्या करना है अपने को दोस्तों, तो अपने को क्या करना है कि वो जो मेन है वो तो उसको तो एक बिजली का तार सीधा जाएगा ही, ये बिजली का तार चलेगा सीधा अपना सीरीज वाला, ये मेरे पास फिलहाल। तो अब इसको एक को लगाएंगे तो ये इधर चलेगा, और जब एक पे लगाएंगे तो ये इधर चलेगा, और इसको लगाऊंगा तो इधर चलेगा। दोस्तों देख लो आप, इस पे इधर है, इस पे इधर है, यानी एक पे उल्टा एक पे सुलटा। तो अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये सुलटा वाला है, लाल कलर वाला। तो दोस्तों ये मैंने इसमें डाल दिया ऊपर वाला, और ये दोस्तों मैंने डाल दिया इसके बीच वाले का में, अब दोस्तों इसमें एक करंट का तार लगेगा, एक इसमें अर्थ का तार लगेगा, दोनों तार लगेंगे। अब मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि ये तो जो ये पीले वाला तो मैंने अपने चेक करके सीरीज से लगा दिया, ये तो यहीं रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये यहीं का यहीं रहेगा। लेकिन जब ये दो तार अपने जोड़े हैं
और इसको करंट दे के और फिर अपन ऊपर लगा देते हैं। हो सकता है कि अपने को अभी इससे ऊपर रखा हुआ था तो उल्टा सुलटा समझ में नहीं आया वो कि किधर उल्टा था किधर सुलटा था। तो ऊपर पंखे को हुक में डालने के बाद अगर अपने को लगे कि पंखा अभी उल्टा रह गया तो दोस्तों अपने को क्या करना है कि इसको नहीं छेड़ना है, ये तो यहीं का यहीं रहेगा। ये जो तार है दो वाले, ये दो वाले, ये दोनों तार ही इधर से और इधर होंगे, ये इधर चला जाएगा और ये दोस्तों इधर चला जाएगा। कैपेसिटर की तार नहीं चेंज होंगी, वो तो वैसे भी वहीं रहेंगे, सिर्फ इन तारों को ऊपर से इधर से और इधर ही करना है उल्टा सुलटा करने के लिए। अगर उल्टा हो गया हो तो इनको इधर से इधर घुमाना है, बस डबल का डबल को ही, इनमें से खोलना किसी को नहीं है, बस इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया अगर पंखा उल्टा चल जाए तो। दोस्तों तो ये दोस्तों मैंने बता दिया, शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी समझ। दोस्तों मैंने आपके सामने कनेक्शन कर दिए हैं, फिर मैं आपको एक बार बताता चलूँ दोस्तों कि सीरीज में जिन दो तारों को अपन लगाने के बाद में बिल्कुल डिम बल्ब चसता है, बिल्कुल मंदा बल्ब चसता है, वो जो विदाउट तार बच जाता है वो हमेशा मेन होता है। इसमें पीले वाला था तो पीला तो मेन सीधा लग गया दोस्तों। अब ये दो तार हैं, इनमें हमने एक कैपेसिटर जोड़ा, एक ये जोड़ा और यहाँ पे लगा दिया दोस्तों, इनको यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया। इधर दोस्तों ये बिजली के तार लगेंगे। अगर कल को पंखा उल्टा चल जाता है तो सिर्फ ये जो दो तार हैं इन दो तारों को इधर ले आएंगे और ये जो दो तार हैं इनको इधर ले आएंगे दोस्तों, और तैयार अपना पंखा उल्टे से सुलटा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने तैयार कर दिया आपके सामने कनेक्शन करने का, शायद बहुत आसान तरीका है और इसमें कोई भी कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए घर पे। अगर दोस्तों इसमें कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, कोई भी कमेंट हो तो दोस्तों ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।